नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। सीधी के पेशाब कांड के पीड़ित ने बड़ा दिल दिखाया है। उसने अपने चेहरे पर पेशाब करने वाले आरोपी को माफ कर दिया है। पीड़ित ने कहा कि जो हुआ है सो हुआ, अब वे इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहते। आरोपी प्रवेश शुक्ला को छोड़ दिया जाए, वे हमारे गाँव के पंडित जी हैं। पीड़ित ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि जिससे जो गलती हुई है उसे माफ कर दें और प्रवेश शुक्ला को छोड़ दें। हम अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। पीड़ित ने कहा कि ये घटना साल 2020 की है। प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति दीनदयाल की दुकान के सामने बैठा था, वो आकर पेशाब कर देता है। पीड़ित ने बताया कि उसने आरोपी का चेहरा भी नहीं देखा था। दीनदयाल ने इसका वीडियो बनाया। पीड़ित के मुताबिक उसने कलेक्टर के सामने झूठ बोला कि वह वीडियो में नहीं है, लेकिन खुद प्रवेश ने ही बता दिया कि उसने ही पेशाब किया है। थाने में दिए शपथ पत्र में कहा कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका फायदा उठाकर गांव के कलेक्टर सिंह और प्रवेश के चाचा विद्या शुक्ला हमें सीधी ले गए, हमारे से स्टाम्प पर दस्तखत करवा लिए। हमको इस बारे में कुछ पता नहीं था। पीड़ित आदिवासी वीडियो का सामने आने के 3 दिन बाद शुक्रवार को अपने घर पहुंचा। उसे मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। उसका आवास बनाने के लिए 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। भारी बारिश के बीच सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय और SP डॉक्टर रविन्द्र वर्मा करोदी गाँव पहुँचे। उन्होंने पीड़ित के परिवार को 5 लाख की सहायता राशि और आवास के लिए 1.5 लाख रुपए का चेक दिया। पीड़ित का आरोप है कि उस पर दबाव डालकर 3 जून को आनन फानन में एक शपथ पत्र भी आरोपी के पिता रमाकांत की ओर से तैयार कराया गया। इसमें भी वीडियो को फर्जी बताया गया। शपथ पत्र में पीड़ित की ओर से ये भी कहा गया कि वीडियो से उसकी छवि प्रभावित की जा रही है। मध्य प्रदेश के राज्य कोल जनजाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रोतेल शुक्रवार दोपहर बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कुबरी में पीड़ित, उसकी पत्नी और बच्चों से चर्चा की। उनके साथ ब्योहारी विधायक शरद कोल भी पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे। रामलाल रोतेल ने कहा कि जो घटना घटित हुई है वह घृणित और निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो भी ऐसा कृत्य करेगा उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले गुरुवार शाम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पेशाब कांड के पीड़ित के पेट धोने को नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि सच ये है कि भाजपा ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सीधी के विधायक ने ही आदिवासी की 10-15 एकड़ जमीन छीन ली है। मध्य प्रदेश में आदिवासी को एक तरफ ट्रक से बांधकर घसीटा जाता है, दूसरी तरफ उसके ऊपर पेशाब की जाती है। कम से कम 5 घटनाएं मैं जानता हूं, जिसमें भाजपा के लोगों ने इस तरह अन्याय किया है। दूसरी ओर CM शिवराज गुरुवार को दिन भर भोपाल CM हाउस में पेशाब कांड के पीड़ित के साथ रहे। उन्होंने उसके पेट धोए, इसके बाद साथ में बैठ कर खाना भी खाया। पीड़ित के परिवार के लोगों से भी बात की और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। शाम को पीड़ित को भोपाल से सीधी के लिए रवाना किया गया। कांग्रेस दिन भर पीड़ित परिवार के संपर्क में रही। इधर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता दिन भर पीड़ित परिवार के संपर्क में रहे। दोपहर तक पीड़ित के घर ही रहे, इसके बाद जिला मुख्यालय पर पहुंचकर पुतला दहन और प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासियों के खिलाफ दूषित मानसिकता का आरोप लगाते हुए विधायक के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है। सरकार के विभिन्न योजनाएं पहले से संचालित है, छात्रवृत्ति मिलती होगी। अगर इनके बच्चे अगर छात्रावास में रह के पढ़ना चाहते तो सरकार निश्चित तौर से वो अवसर प्रदान करेगी। मामले में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। कब क्या बकते हैं दिग्विजय सिंह, वो उनका अपना विषय है, लेकिन हमारा कहना था कि संवेदनशील विषय है, हमारी सरकार इनके साथ है और विपक्ष का काम है। दिग्विजय सिंह की टिप्पणी को कोई हमारी मांग यही है सरकार से कि जो गलती हो गई तो हो गई, अब उसको छोड़ दी जाए। किसको, प्रवेश शुक्ला को छोड़ दी? जी हाँ, अब प्रवेश शुक्ला को अब छोड़ दी जाए, जो हो गया तो हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।